ओके सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, हम देखा था यहाँ पे दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये हम देख चुके थे सिस्टिक फाइब्रोसिस, थिक म्यूकस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपके यहाँ पे, लीवर पैंक्रियाज लंग्स आपके यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, आयन क्लोराइड आयन चैनल्स आर समथिंग विच आर गेटिंग नॉट फॉर्मड ओवर देयर राइट, क्योंकि आपके जीन यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये हम देख चुके सिस्टिक फाइब्रोसिस, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. उसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया भी यहाँ पे देखा था, दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव सीन, एक सडन इन्फॉर्मेशन हमने उसकी भी ली थी, कोडोमिनेंस का ये एग्जाम्पल बनता है. आपका यहाँ पे एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, और अगर आपका ये चेंज होता है सिंगल नाइट्रोजनस बेस आपके डीएनए के अंदर, दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन. सो दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपका होता क्या है कि आपका यहाँ पे हिमोग्लोबिन का जो चेन है बीटा चेन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्टर्ड. सो याद रखना बीटा चेंज विच इज गोइंग टू बी हैविंग सिक्स्थ अमीनो एसिड, जो आपका रहता है हम सबके अंदर जो नॉर्मल है उसमें आपको मिलेगा सिक्स्थ पोजिशन पे ग्लूटामिक एसिड. सो दैट इज वॉट यू गेट टू सी. बट अगर आप वो चीज ऑब्जर्व करते हो एक सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के अंदर, तो सिक्स्थ अमीनो एसिड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे वैलिन. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन कि आपको यहाँ पे वैलिन मिलेगा इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यू विल गेट टू सी वैलिन ओवर हियर. तो ये चीज आपने देखी है आपके पिछले क्लास के अंदर. सो दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. अब ये होता क्यों है, हमने देखा था कि हमारे जीन के अंदर यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, यू हैव अ नॉर्मल ग्लोबुलिन ओवर हियर राइट, नॉर्मल ग्लोबुलिन जो आपका यहाँ पे होता है उसमें आपको मिलेगा सीटीसी. सो जनरली यू हैव टू हैव दिस सीटीसी वाला सीक्वेंस रहेगा डीएनए के अंदर, ये आपका चेंज हो जाता है और टी की जगह आपका लग जाएगा यहाँ पे ए. सो दैट इज योर पॉइंट म्यूटेशन वाला साइट, ये आपकी वो साइट है जहां पे आपका पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है. और जैसे आपका यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ, अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपका जो अमीनो एसिड यहाँ पे लग रहा है दैट इज माई ग्लूटामिक एसिड, एंड सिमिलरली यू विल फाइंड सॉरी यहाँ पे आपका जो नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड आपका यहाँ पे होता है उसकी जगह अब आपका यहाँ पे लगेगा यहाँ पे वैलिन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है इन योर सिकल सेल एनीमिया, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ये हो जाते हैं दैट यू विल फाइंड कि आपका जो आरबीसी का शेप होता है वो आपको हो जाता है सिकल शेप. सिकल शेप होने के बाद आपको यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन आपका यहाँ पे होता है दैट विल बी 120 डेज. सिकल शेप आरबीसी का लाइफ स्पैन उतना नहीं रहेगा, इट विल बी मच मोर लेस देन द 120 डेज, 40 डेज 50 डेज 60 डेज के अंदर ही आरबीसी की वहां पे हो जाएगी डेथ. अब अगर आपके आरबीसी की वहां पे हो रही है अर्ली डेथ, तो हमने ये बात मेंशन की थी अगर आपके आरबीसी की यहाँ पे आपको मिलते देखने के लिए अर्ली डेथ, देन दैट मींस व्हाट, द पर्सन विल ऑलवेज हैव अ इशू ऑफ एनीमिया. जो इंडिविजुअल आपका यहाँ पे होगा उसे हमेशा एनीमिया का यहाँ पे कंसर्न रहेगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि अगर आरबीसी की डेथ अर्ली हुई तो एनीमिया यहाँ पे हमेशा कंसर्न रहेगा, दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट सिकल सेल्ड आरबीसी, सिकल्ड सेल्ड आरबीसी आर फॉर्मिंग द क्लॉग, ये आपका बना रहे क्लॉग. अब जब मैं कह रहा हूँ ये क्लॉग बना रहे दैट मींस व्हाट, ये आपके बाईपास नहीं हो पा रहे स्मॉल कैपिलरी में से, आपकी जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उनमें से आपके आरबीसी बायपास नहीं हो पाते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू बायपास द स्मॉल कैपिलरीज, ये जो शेप होता है इसके लोग बायपास नहीं हो पाते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू बायपास और नॉट एबल टू पास थ्रू स्मॉल कैपिलरीज, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे. और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके कई सारे ऑर्गन्स को सही अमाउंट में ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन आपका पहुंच नहीं पाएगा. सो जनरली यू गेट टू सी ऑर्गन डैमेज इज समथिंग जो एक इसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के मिलता है. सो नंबर ऑफ ऑर्गन डैमेज कैन ऑल्सो बीन सीन हैपनिंग ओवर हियर बिकॉज ऑफ द सिकल सेल कंडीशन, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब हम इसके अंदर फटाफट देख लेते हैं कि आप जीनोटाइप आपका कौन सा लगता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, आपका जीनोटाइप यहाँ पे क्या लग जाएगा. सो यू शुड नो वेरी क्लियरली कि आपका यहाँ पे जीनोटाइप जो होता है नॉर्मल एलील के लिए दैट इज माय HbA. HbA हम सबके अंदर है, HbA हम सबके अंदर है एंड दैट इज अ नॉर्मल एलील, ये आपका एलील है फॉर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये है आपका नॉर्मल कंडीशन के लिए. आपका जो डिजीज कंडीशन है उसके लिए आपका यहाँ पे एलील हो जाता है आपके यहाँ पे HbS, दैट इज फॉर माय सिकल सेल, दैट इज फॉर योर सिकल सेल्ड कंडीशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे आपके एलील यहाँ पे कौन से लगेंगे. तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल क्या है और आपका डिजीज कंडीशन के लिए एलील कौन सा है, HbS वाला डिजीज वाला है, HbA वाला मेरा नॉर्मल है. कई बार वो लोग ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर, तो याद रखना अगर कोई नॉर्मल पर्सन है सो ही शुड बी हैविंग योर HbA HbA, मतलब हम सबके अंदर जो भी एलील लगे हुए हैं वो हमारा ये जीनोटाइप है, हम सबके अंदर फिलहाल ये वाला जीनोटाइप है
HBA, that means we are all going to be having the normal RBC. So हम सबके पास यहाँ पर रहेगा normal RBC. अगर किसी का genotype होता है HBS, HBS, so याद रखना that person will be my affected person. साफ पता चला यहाँ पे that this person is my affected person. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर आपको HBS, HBS देखने के लिए मिल जाए, अगर ये कंडीशन है आपकी, तो ऐसा इंडिविजुअल जनरली एडल्ट कंडीशन अटेंड नहीं कर पाता, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द मैच्योरिटी. जनरली अगर ऐसा जीनोटाइप बच्चे में देखने को मिलता है, देन उनकी अर्ली डेज में डेथ हो जाती है. तो ये चीज भी आप याद रखिएगा. अगर दोनों ही मेरे यहाँ पे एलील म्यूटेशन वाले हैं, इफ बोथ एलील्स आर ऑफ माय सिकल सेल एनीमिया, देन ऐसा इंडिविजुअल आपका एडल्टहुड अटेंड यहाँ पे नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ अर्ली डेज में ही यहाँ पे हो जाएगी. तो ये चीज आपको याद रखनी है. HBS, HBS is not something आपको मिलेगा देखने के लिए in the adult individuals के अंदर. So that is not the case. अब आपको जो cases generally देखने के लिए मिलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, HBS and HBA. ये जो person यहाँ पर रहेंगे, इसमें होता क्या है, that these are the person जिनके अंदर आपको sickle cell देखने के लिए मिल जाएंगे. You will get to see sickle cell over there. क्योंकि याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई को डोमिनेंस. अगर आपको याद हो, ये हमने देखा था पहले भी, सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ माई को डोमिनेंस. और क्योंकि ये मेरा एग्जाम्पल बन जाता है मेरे को डोमिनेंस का, तो इसमें क्या होता है, मेरे एस वाला जो मेरा एलील है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो ए वाला जो मेरा यहाँ पे एलील है ये भी अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. और जो ना आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन मुझे मेरे ब्लड के अंदर सिकल सेल आरबीसी देखने मिलेंगे. आई विल गेट टू सी सिकल सेल आरबीसी इन माय ब्लड. सो याद रखना, आपको जो इंडिविजुअल आपको दिखते हैं पॉपुलेशन में, जो एडल्ट आपको दिखेगा, उसमें जीनोटाइप आपको मिलेगा HBS, HBA का. दैट इज सर, ये हां बेटा बोलिए सर, ये अटेंड करते हैं एडल्ट में? हाँ, ये लोग अटेंड करेंगे. यस, दे विल बिकम एडल्ट. यस यस यस. तो द थिंग इज ना, अगर आपको अफ्रीका जाते हो, अगर आपको कोई 30 साल का लड़का मिल जाए और उसे सिकल सेल एनीमिया है, दैट मींस ही हैज दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप. दैट्स द ओनली थिंग यू विल फाइंड. सो यही लोग होंगे जो आपके एडल्टहुड अटेंड करेंगे. दे आर वन विच कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, बट कुछ कंडीशन होती है जिसमें इनके बॉडी के अंदर सिकल सेल आरबीसी ज्यादा बनने लगता है, और वो कंडीशन आपकी होती है यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन. अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन टेंशन डेवलप होता है, अगर आपके बॉडी के अंदर किसी रीजन से अगर आपका ऑक्सीजन टेंशन डेवलप होगा, तो वो टाइम पे व्हाट हैज बीन सीन, दैट योर आरबीसी विल स्टार्ट टर्निंग इनटू योर सिकल सेल. सो आपके सिकल सेल आरबीसी आपके बनने लगेंगे. सो ये चीज देखने के लिए मिलती है. अब सिकल सेल आरबीसी एकदम से बनने लगते हैं, वो कब लगते हैं वो आप समझ लो. यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय ऑक्सीजन टेंशन. समझो कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा. वो टाइम पे उसके बॉडी में आपको सडनली मिलेगा ज्यादा नंबर ऑफ माय सिकल सेल आरबीसी. एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर वो लड़का जाता है सिकल ऑक्सीजन टेंशन का, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, हाई एल्टीट्यूड. अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, तो वो टाइम पे भी यू हैव अ लेस एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, और उस कंडीशन के अंदर भी मुझे मिलेगा देखने के लिए कि आपका सिकल सेल आरबीसी आपके यहाँ पे बनने लगेगा. यू विल गेट टू सी कि आपके सिकल सेल आरबीसी बनने लगते हैं. तो ये चीजें आपकी होंगी, बट अंडर सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशन. That is what you get to see. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन के अंदर जो ये पर्सन है ना हमारे यहाँ पे हिट्रोजाइगस वाला HBS, HBA, इसके अंदर सिकल सेल आरबीसी आपके यहाँ पे बनने लगेंगे. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर ओवर देयर. तो ये आपकी एक स्टोरी है सिकल सेल एनीमिया की. आप यहाँ पे अपने जीनोटाइप याद रखेंगे कि कौन सा जीनोटाइप नॉर्मल है, कौन सा अफेक्टेड है, और कौन सा आपका यहाँ पे जो बेसिकली आपको एडल्ट के अंदर देखने के मिलेगा. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, सिकल सेल की कंडीशन आपको अफ्रीका में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी. सो प्लीज, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो दैट इन अफ्रीकन कंट्रीज दिस इज वेरी कॉमन. सिकल सेल कंडीशन अफ्रीका में आपको प्रीडोमिनेटली देखने के लिए मिलती है. सो अफ्रीका में इट इज वेरी कॉमन ओवर हियर. सो अफ्रीकन कंट्री और सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज विल हैव द सिकल सेल एनीमिया बीइंग कॉमन ओवर हियर. अब अफ्रीकन कंट्रीज में ये आपका क्यों इतना कॉमन है, क्योंकि वहां पर उसका एडवांटेज है. याद रखना, सिकल सेल एनीमिया होने का एक सिलेक्टिव एडवांटेज होता है यहाँ पे. वो एडवांटेज यहाँ पे ये होता है दैट इट गिव्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया. यू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया. ये बात याद रखना, ये पहले भी कई बार ये लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुके हैं. तो अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है, तो उसको एक प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है फ्रॉम द मलेरिया. कैसे प्रोटेक्शन मिलता है,
आपका जो प्रोटोजोन होता है मलेरिया का, अगर आपको याद हो तो आपका एक प्रोटोजोन होता है जो आपका एंटर करता है, जो मॉस्किटो को बाइट करता है तो आपके ब्लड में आता है। सो वो प्रोटोजोन आपके आरबीसी को डैमेज नहीं करता, आउट से वो एंटर नहीं कर पाता। सो विल फाइंड योर प्रोटोजोन नॉट एबल टू एंटर द आरबीसी। सो आरबीसी में ये एंटर कर नहीं पाएगा, और एंटर ना करने की वजह से अल्टीमेटली इट विल नॉट सर्वाइव। सो इट वोंट बी एबल टू एंटर इनसाइड द आरबीसी, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो इट विल अल्टीमेटली लाइक डेथ ऑफ दिस प्रोटोजोन विल बी सीन। सर जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ होता है उसी को नहीं होता एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया हुआ था उसको ही नहीं होता मलेरिया, ये तुम ये कह रहे हो ना? हाँ राइट, उसे मलेरिया का कंसर्न नहीं होगा, उस बंदे को मलेरिया नहीं होगा। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एडवांटेज ये कि अफ्रीका में मलेरिया की वजह से काफी लोगों की डेथ होती है। सी मलेरिया इन दिस कंट्री और इन अवर कंट्री इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक इट हैपेंस, यू टेक योर मेडिकेशंस, यू गेट नॉर्मल। बट इन अफ्रीकन कंट्रीज मलेरिया हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज वो फेटल होता था वहां पर। मलेरिया यूज टू बी द रीजन फॉर नंबर ऑफ डेथ इन द इन्फेंट्स, इन द यंगर इंडिविजुअल्स, इन द एडल्ट्स होता था। लेकिन ये देखने को मिला कि जब लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो रहा था उनके अंदर प्रोटोजोन सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि आपका प्रोटोजोन वहां पे सर्वाइव कर नहीं पा रहा था तो सिकल सेल एनीमिया की जो पॉपुलेशन थी वो वहां पे बढ़ने लगी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है इवोल्यूशनरी एडवांटेज, उस पॉपुलेशन को यहाँ पे एडवांटेज होता है हैविंग दिस सिकल सेल एनीमिया, सिर्फ उस पॉपुलेशन को और कहीं नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फाइंड यू गेट अ नंबर ऑफ पीपल इन अफ्रीका हैविंग दिस सिकल सेल कंडीशन, क्योंकि इवन दो ये उनके लिए हार्मफुल है एक तरीके से, उनको एनीमिया यहाँ पे हो रहा है, बट उनको यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है दैट दे आर गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मलेरिया, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे एक सिलेक्टिव एडवांटेज मिलता है फॉर द पीपल लिविंग इन द अफ्रीकन कंट्रीज। सो दिस प्रोटोजोन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, विल नॉट सर्वाइव अंडर विद इन द पर्सन जिसके अंदर आपको सिकल सेल आरबीसी आपको मिल जाए। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सिलेक्टिव एडवांटेज क्या है या इवोल्यूशनरी एडवांटेज किसको है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि यार सिकल सेल का इवोल्यूशनरी एडवांटेज किसको मिलता है यहाँ पे फ्रॉम गेटिंग द इम्यूनिटी फ्रॉम द मलेरिया, तो आपको आंसर करना है पीपल लिविंग इन द अफ्रीकन कंट्रीज, इन सर्टेन पार्ट ऑफ अफ्रीका यू हैव दिस एडवांटेज इज बीन सीन। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है। क्या यहाँ तक स्टोरी सबको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। सो ये हो गया यहाँ पे आपका सिकल सेल एनीमिया, आपका यहाँ पे खत्म। अगर आपको इतना समझ आ रहा है देन इट शुड बी लाइक दैट्स गुड इनफ फॉर यू टू गेट ऑल क्वेश्चंस करेक्ट। याद रखना अगर मेरा बीटा ग्लोबुलिन का वहां पे म्यूटेशन वहां पे आ रहा है तो पहले तो आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन का शेप आपका होगा अल्टर। जैसे मेरे हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे अल्टर होता है यू विल फाइंड कि आपके आरबीसी का शेप भी आपका हो जाएगा अल्टर, और फिर आपका बन जाएगा वो सिकल शेप, और ये शेप की लाइफ स्पैन कम होगा, ये आपका ट्रेवल नहीं कर सकता ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्मूथली, राइट, क्लॉक करेगा, एंड इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी हो जाती है कम। सो ये इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। सो दैट इज माय सिकल सेल एनीमिया। सो ये ब्लड रिलेटेड आपकी कंडीशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा एक और जो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इज माय थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया एक बड़ा ही सिंपल सा कंडीशन है, इसको आपको ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, आपको बस बेसिक चीज यहाँ पे याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, थैलेसीमिया इज अगेन योर ब्लड रिलेटेड कंडीशन। सो अगेन यू विल फाइंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, एंड यहाँ पे भी आपको जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा दैट इज माय एनीमिया। यहाँ पे भी एनीमिया इज गोइंग टू बी द कॉमन ट्रेट जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा ये है मेरा ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। तो ये बात याद रखना दैट थैलेसीमिया इज गोइंग टू बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ इसमें होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि थैलेसीमिया के अंदर आपके कई सारे टाइप्स होते हैं, बट अब एक जनरल आइडिया लेते हैं थैलेसीमिया का। यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आपका जो ग्लोबुलिन वाला बीटा ग्लोबुलिन वाला जो आपके यहाँ पे चेन है, तो बीटा ग्लोबुलिन वाला जो आपके यहाँ पे चेन है दिस इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड। ये जो आपका बीटा ग्लोबुलिन वाला जो आपका चेन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, इट इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, इट इज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, ये पूरे तरीके से बनता नहीं है। अब अगर ये मेरा पूरे तरीके से बन नहीं रहा तो इसके वजह से होता क्या है, आई बी फाइंडिंग दैट आरबीसी विल हैव अ अल्टर्ड शेप, आरबीसी विल हैव अल्टर्ड शेप, मतलब इसका शेप काफी अजीब सा होगा आरबीसी का,
एक ये चीज मुझे देखने को मिलेगी दैट आरबीसी विल हैव द वेरी अल्टर्ड शेप, और दूसरी चीज आपकी यहाँ पे ये होती है दैट योर आरबीसी विल डाई अर्ली, आरबीसी विल शो द अर्ली डेथ. अब क्योंकि मेरा आरबीसी की डेथ जल्दी हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दैट यू हैव दिस इश्यू ऑफ योर एनीमिया. ठीक है, तो ये बात याद रखना. सो थैलेसीमिया में एक जनरल कंसर्न ये होता है कि अगर आपको कोई पेशेंट दिखता है थैलेसीमिया का तो उसके अंदर आपके आरबीसी की डेथ होती रहती है, लाइक जल्दी हो जाती है. सो पर्सन को हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको कराना पड़ेगा लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर एज एंड वेट कि आपको कितना कराना पड़ रहा है महीने के अंदर. कई बार यू हैव टू गो फॉर ट्वाइस इन अ वीक, सम टाइम यू हैव टू गो फॉर वंस इन अ वीक और वंस इन अ टू वीक यू हैव टू गो फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ये करके पेशेंट कैन हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ लाइफ, ही कैन हैव सर्टन अमाउंट ऑफ नॉर्मल लाइफ अ पर्सन कैन हैव. इसमें भी वेरी ऑफन यू गेट टू सी दैट बहुत कम होता है कि अ पर्सन विल लिव अ नॉर्मल लॉन्ग लाइफ स्पैन. ये इतना कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलता बट आपको मिल सकते. यू कैन स्टिल हैव एडल्ट्स हैविंग द थैलेसीमिया, राइट. तो याद रखना इसके अंदर यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक आपके यहाँ पे क्योर होता है, वही आप यहाँ पे कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको क्योंकि आरबीसी का लाइक डेथ होता रहेगा हमेशा यहाँ पे, सो यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओवर हियर सो दैट द पर्सन कैन हैव अ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. बेसिक आइडिया याद रखना थैलेसीमिया के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आपका जो बीटा ग्लोबुलिन है वो आपका सही से बनता नहीं है. इट इज नॉट फॉर्म कम्प्लीटली. कम्प्लीटली मतलब समझो आपके बीटा ग्लोबुलिन के अंदर आपको चाहिए 200 अमीनो एसिड, यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेंगे 150-160, राइट. सो दैट इज नॉट फॉर्म कम्प्लीटली और इट इज फॉर्म इन फ्रेगमेंट्स. सो दैट्स वाई आरबीसी का शेप आपका यहाँ पे हो जाएगा अल्टर्ड. और एक बार आरबीसी का शेप मेरे यहाँ पे अल्टर्ड हो गया देन यू विल फाइंड अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी विल बी सीन. दैट इज वॉट आई गेट टू सी हैपनिंग इन माई थैलेसीमिया. अब थैलेसीमिया के यहाँ पे टाइप्स होते हैं लेकिन उतना आपको याद नहीं रखता. इट विल हैव समथिंग लाइक योर अल्फा थैलेसीमिया, विल हैव समथिंग लाइक योर बीटा थैलेसीमिया. इनको आपको याद नहीं रखना. आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, ये आपको कभी भी लोग सेपरेटली क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे. अल्फा बीटा डेल्टा थैलेसीमिया आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि थैलेसीमिया होता क्या है. एक जनरल आइडिया याद रखना कि थैलेसीमिया में भी आपको एनीमिया देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे भी आपके आरबीसी की डेथ होगी एंड दैट इज नॉट समथिंग विच इज बाय एनी मींस something which is helpful for anyone. So ये चीज़ आप कह रखनी है. और जो सबसे मेन बात that is your, it is my autosomal recessive. So this is something you have to know. ठीक है, तो ये आपका एक डिसऑर्डर आपको यहाँ पे रखना है. तो फिलहाल आपको बस ये वाला याद रखना पड़ेगा. तो अभी तक हमने डिसऑर्डर जो देखे, अगर हम बात करें सिर्फ ऑटोजोमल रिसेसिव के, तो एक आपका हो गया थैलेसीमिया, देन आपका हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, और हाँ, और फिर आपका एक आएगा फिनाइलपिटूटूरिया, राइट. फिनाइलपिटूटूरिया. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. सेक्स लिंक के हमने यहाँ पे दो देखे थे, एक देखा था हमने हीमोफिलिया और एक देखा था हमने यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस. ये दो मेरे एग्जांपल बन जाते मेरे सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन के. एंड देन सिकल सेल एनीमिया बेसिकली आपका एग्जांपल रहता है कोडोमिनेंस वहां पे. सो दैट इज आल्सो समथिंग वी हैव सीन. इतने डिसऑर्डर आप सही से याद रहते हो लाइक जस्ट रिमेंबर द ट्रेड्स ओवर देयर, यू शुडंट बी फाइंडिंग डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इतने आपको याद रखने सही तरीके से. सो दैट इज वन थिंग याद रखना. तो यहां तक हम लोग रखते हैं. सो ये आर द थिंग्स यू हैव टू नो. डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग द ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. आरबीसी हैव अ डिस्टॉर्टेड शेप एंड दे डाई अर्ली एंड एनीमिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज. सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द थैलेसीमिया. याद रखना यू कैन हैव एडल्ट इन एडल्ट हैविंग दिस थैलेसीमिया. आपको मिल सकते हैं यहाँ पे एडल्ट बट दे हैव टू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे कराना पड़ता है ऑन द रेगुलर बेसिस, उसके बगैर दे कैन नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ के इसके रिलेटेड करते हैं और बाकी कल के टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कर लेते क्वेश्चन हम लोग. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी विल डू. हाउ डू बोलो सर, ये कौन से क्रोमोसोम में होगा? So, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया. नाउ द थिंग इज ना, यहाँ पे है क्या आपका थैलेसीमिया के ना यहाँ पे तीन टाइप्स है. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना दैट वन ऑफ द अल्फा थैलेसीमिया वाला जो जीन आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, बट डेल्टा वाला और बीटा वाला जो आपका यहाँ पे जीन होता है ना दैट कॉजेस द थैलेसीमिया, वो उस क्रोमोसोम पे आपका नहीं होता. तो इसलिए हम एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का हम यहाँ पे नाम नहीं याद रखते. ठीक है, दैट्स व्हाई वी डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक नेम. हम ये नहीं कह सकते कि यही क्रोमोसोम है आपका थैलेसीमिया, बिकॉज थैलेसीमिया के भी आपके यहाँ पे टाइप्स है ना. सो जो डेल्टा थैलेसीमिया होता है इसके अंदर, इसमें जो आपको जो जीन काम नहीं कर रहा वो किसी और क्रोमोसोम के ऊपर है. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वी डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक क्रोमोसोम ओवर हियर. ओके,
बट या अल्फा वन का यहाँ पे रहेगा आपका, क्रोमोसोम 11 आपका यहाँ पे रहेगा, बट अगेन क्योंकि वो बीटा डेल्टा का अलग हो जाता है, दैट्स व्हाई वी जस्ट से या जनरली वी से दैट इज अ थैलेसेमिक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, राइट? यस सर, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड अलोंग विद सिकल सेल एनीमिया. अब फटाफट एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एंड वी कैन मूव अहेड. सो लेट मी जस्ट शो यू फ्यू क्वेश्चंस ओवर लाइक दिस. 158, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दो हार्मफुल इन इटसेल्फ is also potential savior from the mosquito borne infection disease. Hemophilic man marries a normal woman, their offspring will be what? अगर एक hemophilic लड़का है जिसको हिमोफीलिया हुआ हुआ है, मतलब यहाँ पे लूंगा मैं स्मॉल एच, अगर ये नॉर्मल लड़की से यहाँ पे शादी कर रहा है जिसका सब नॉर्मल है यहाँ पे, सो इनके बच्चे कैसे होंगे? एबीसीडी क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर इन दिस? ऑप्शन बी, डी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे मदर नॉर्मल है तो हर कोई बच जाएगा यहाँ पे, राइट? लड़कों को भी यहाँ पे कुछ नहीं आया ना. हाँ, लड़कियां कैरियर हो सकती है, डॉटर कैरियर हो सकती है, बट दे विल बी नॉर्मल. So that is why option D will be the answer over there. ठीक है, that is something you are familiar with. Which of the following is most appropriately describes hemophilia? क्या लगता है? कौन सा आपको condition यहाँ पे, कौन सा option यहाँ पे सही लग रहा है? D option. बिल्कुल सही. X-linked recessive gene disorder is going to be the right option over here. So that's going to be a सही option. ठीक है. ऐसे question आएंगे तो आप लोग संभाल लोगे. Basically आपको संभालना कहाँ होगा? जहाँ पे आपके आएंगे question which will be statement based, वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, and that time what happens कि वो थोड़ा question lengthy हो जाता है, right? एक ये question कर लेते हैं, simple सा है. If both parents are the carrier for my thalassemia, ध्यान से देखो, if both parents are the carrier for my thalassemia, जो मेरा है यहाँ पे autosomal recessive, this is your autosomal recessive, ठीक है? Which is a autosomal recessive disorder? What are the chances of pregnancy resulting in the affected child? क्या लगता है आपको? मैं यहाँ पे जीनोटाइप बना के देता हूँ, थोड़ा हेल्प होगा उससे आपको. कैपिटल ए स्मॉल है, एक फादर का है और मदर है आपके यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल है. स्मॉल ए स्मॉल ए होगा तभी आपका बेबी जो यहाँ पे होगा दैट विल बी सफरिंग विद थैलेसीमिया, ठीक है? सो दे बोथ आर कैरियर, दोनों नॉर्मल में यहाँ पे कैरियर है. हाँ, तो बताओ क्या लग रहा है? ए ऑप्शन, ऑप्शन ए, बढ़िया, वेरी गुड, यस. It will be my E option. क्योंकि अगर आप ये cross करके अगर आप यहाँ पे देख लोगे, then you will find this answer over there. You have a capital A small A यहाँ पे. हाँ, क्योंकि एक ही option क्या आपके लोगों ने की. So you have a capital A, capital A, capital A small A, capital A small A, small A, small A, small A. 25% आपने यहाँ पे chance that you might get someone who is suffering with my hemophilia. बहुत बढ़िया. Right, अगर ये question आपसे हो पा रहे हैं, so that's a promising sign. ठीक है, नाउ आई जस्ट ये वाला कर देते हैं, फिर हम हमारे वाले क्वेश्चन करते हैं. सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ डी, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया. ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, बिल्कुल सही. दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस इज गोइंग टू बी द कंडीशन इन दिस. ऑलराइट, ये हम बाद में देखते हैं. अच्छा चलो, ये वाले क्वेश्चन तो आप देख लेते होंगे यहां पे. Which of the following is incorrect regarding vasectomy? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है इन टर्म्स ऑफ माय वासेक्टॉमी? बी, करो तुम लोग. अच्छा, नो स्पर्म अकर्स इन माय एपिडर्मिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बिल्कुल, आपको एपिडर्मिस में आपको मिलेंगे, ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ हो जाता है गलत. दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर हियर. Yeah, so that's a very simple kind of question. Which of the following is a hormone releasing intrauterine device? Option B. Very good. B. Okay. Right, option B. You are going with this. That's going to be a right answer. Okay. All right, just wait a minute. Okay, theek. Now. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. What is the full form of my GIFT? Option D. Right.
डेली वाला डी दैट इज बेटर ये तो पिछले टेस्ट में आपने ये पढ़ा था ध्यान से तो आई डोंट थिंक इसमें से आपका क्वेश्चन मिस होगा ये तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे अच्छा विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ आर्चुएशन इन योर सर रिलीज ओटोलिन सर प्रोलैक्टिन कौन सा एसेंशियल नहीं है प्रोलैक्टिन रिलीज नो प्रोलैक्टिन तो आपको यहाँ पे चाहिए यहाँ पे राइट प्रोलैक्टिन हैज नो रोल प्लेड इन टर्म्स ऑफ माय पार्टिशन इट हैज नो रोल तो जो डी है उसकी क्या जरूरत होती है सर हमें किसकी किसकी बेटा Prostaglandin is something which actually helps in the muscular contraction. It actually helps in the muscular contraction. So that's a prostaglandin is something will be required. Okay. Yes. That is something which will be formed in a small amount, right? It is required in a small amount. The requirement is ज़्यादा नहीं होती. But prolactin will have no role to be played in your maturation. Then second maturation division of a mammalian ovum is going to be what? स्टेटमेंट आराम से पढ़ो इसे और ध्यान से करो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ अ मैमेलियन ओवम अकर्स व्हेन सी सर सेकंड डिवीजन दोनों यहां पे कब होता है डी सी सी अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज क्लोज विद द ओवम सो बी बी होगा अंटिल द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय द वर्म जैसे ही आपका पेनिट्रेशन होता है एज सून एज द पेनिट्रेशन हैपेंस यू विल फाइंड कि आपका सेकंड डिवीजन आपका खत्म हो जाएगा सेकंड मैच्योर डिवीजन विल हैपन एंड देन उसके बाद आपका ओवम बनता है एंड देन इट कैन फ्यूज विद द स्पर्म न्यूक्लियस के साथ तो जैसे ही आपका फ्यूज करता है आपके यहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ राइट उसके बाद तुरंत आपके यहाँ पे सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन आपके यहाँ पे खत्म होता है सो दैट इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर याद रखना It is until after the ovum has been penetrated by the sperm, ye time pe aapka second maturation aapke yahan pe will get completed. So that is what you find happening in this. Yes, sir. Gametification occurs where? Female reproductive tract. बहुत बढ़िया. Right, very good. और gametification के अंदर आपके male sperm के ऊपर क्या लगा होता है जिसको निकालना होता है हमें निकालने के लिए आपका म्यूकस जो आएगा यहाँ पे वो कहाँ से आएगा राइट सर्वाइकल म्यूकस यू विल हैव द सर्वाइकल म्यूकस एंड ये म्यूकस आके आपका अपर लेयर को आपके रिमूव करेगा एंड देन यू विल फाइंड इट विल गेट एक्टिवेटेड सो यस Female reproductive tract is a region जहाँ पे आपका होगा यहाँ पे capsulation. So that's the right answer. ध्यान से देखो. The correct sequence of spermatogenic stages leading to formation of sperm in the mature human testes क्या होगा यहाँ पे? A option. Sir. A. Option A. Sir A. Option A. So option A. Yes sir. बहुत बढ़िया. Very good. Yes, that is something we'll find over there. Yes. Okay. After that, eggs are liberated from ovary in. Secondary oocyte stage. कौन से stage पे release किया जाएगा? हमेशा यहाँ पे आपका answer आएगा. That will be a secondary oocyte stage. In the secondary oocyte stage, I'll be finding this eggs will be liberated. So secondary oocyte stage में आप यहाँ पे eggs liberate किए जाएंगे so that's going to be an option A over here always yeah. meiotic division of the secondary oocyte is completed कब D option D at the time of the ovum with the ovum right That's another yes. beauty because it comes. Yes, sir. Most appropriate yes, sir, is this one. Right? Baki like they are not going to be true. Okay. Samanel, plasma in human male is rich in? Sir, fructose and calcium. Fructose and calcium. ये टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल बनाते हैं सर लेडिंग सर लेडिंग सर लेडिंग सर
राइट, लेडिंग सेल्स कहाँ पे होते हैं? अच्छा ये सेल्स कहाँ पे होते हैं? लेडिंग सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स, बहुत बढ़िया। राइट नाउ सिंगामी मींस व्हाट हुआ है सर? फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, दोनों मिला के और जब आप मेल गैमेट यहाँ पे आके फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा फिर? ये आगे जाके क्या बनाएगा? बनाना है बिल्कुल सही। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है जनरली सीट के अंदर? नरिशमेंट। हाँ जी नरिशमेंट वाली बात आपकी सही है। एम्ब्रियो का पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, क्या होता है? करेगा यहाँ पे हमेशा टू एन राइट। So one male gamete will fuse with egg, another is going to be fusing the secondary nucleus. Now, in angiosperm, how many macrospore mother cell are required to form 100 pollen grains? कितने macrospore mother cell मुझे चाहिए होंगे यहाँ पे? To make 100. 25. Very good, बहुत बढ़िया। याद रखना हमेशा macrospore mother cell से आपको मिलेंगे यहाँ पे चार आपके macrospores. Basically, the four pollen grains you'll get from a single macrospore mother cell. So, if you have 100 pollen grains, if you want to make, then you need to have 25 macrospore mother cell. Okay? Simple, ऐसे भी कर सकते हैं। एक से मुझे चार मिलते हैं, तो मुझे 100 चाहिए होंगे यहाँ पे, तो मुझे कितने यहाँ पे चाहिए होंगे? So, that is something also. 25. वैसे इतना करने की ज़रूरत मैं पड़ेगी नहीं, तुम लोग इतने तेज़ तो हो ही, तो उसे वैसे हो जाएगा। So, that is going to be your 25 will be the answer in this. याद रहेगा माइक्रोस्पोर मदर से लिखा हुआ यहाँ पे, सो दैट इज दैट विल बी डिप्लॉयड एंड दे अंडरगो मियोसिस टू गिव यू द माइक्रोस्पोर्स व्हिच अल्टीमेटली टर्न इनटू योर पोलन ग्रेन राइट। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट मियोसिस गिव मी द 100 पोलन ग्रेन, सो यू शुड नो दैट यू विल बी रिक्वायरिंग अराउंड 25 सच सेल्स एंड दे विल गिव यू द टोटल 100 पोलन ग्रेन। सो दैट्स ओके। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इट इज गोइंग टू बी योर डेटिनोगैमी। ये इसमें आपको पॉलीनेटर की जरूरत पड़ सकती है, बट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी क्योंकि इसके अंदर भी आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेरिएशन ओवर हियर, तो वो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी आपके जो प्रोजीन मिलेंगे वो पेरेंट प्लांट वाला ही उसमें जीनोटाइप होगा, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। सो यस दैट इज योर पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ एक चीज याद रखना, आपका ये प्लांट है आपका, एक तो आपका हो गया वाटर हाइसिंथ आपका यहाँ पे हो गया और वाटर लिली आपका हो गया। ये इवन दो ये एक्वेटिक प्लांट है बट इनका फ्लावरिंग होता है सरफेस के ऊपर, सो दे विल हैव फ्लावरिंग हैपनिंग ऑन द सरफेस। और ये लोग पानी के अंदर अपने पोलन ग्रेन को रिलीज नहीं करते, याद रखना। दे आर बेसिकली डिपेंड ऑन द विंड्स एंड द इंसेक्ट,
इनके पोलन ग्रेन को आपके ब्रेन या इंसेक्ट लेके जाएगा। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो वाटर प्लांट है, पानी में पोलन रिलीज होगा, बट नहीं, वी विल फाइंड देम दैट पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड लाइक आर मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर यूजिंग योर विंड और इंसेक्ट। सो याद रखना, दैट इज वाई दे आर नॉट, ये अपने पोलन ग्रेन को पानी में रिलीज नहीं करेंगे। तो पानी में रिलीज करने वाला पोलन ग्रेन का प्लांट का नाम बता दो आप मुझे। सर मुझे ज़ेब्रास में गया, ठीक है, यस यू हैव अ सीग्रास इज अ कॉमन नेम, राइट। तो ये मेरे पानी में रिलीज करने वाले मेरे प्लांट्स यहाँ पे। अब इसमें याद रखना that you will find that Vicinaria is the plant जो अपने pollen grain surface पे रिलीज करता है। ये अपने pollen grain पानी के surface पे रिलीज करेगा, बाकी लोग अपने रिलीज करेंगे पानी के अंदर। So they will submerge in the water and then travel along with the water. But this will be releasing the pollen grain on the surface. So that is my epihydrophilic example बन जाता है। That's it, one. Sir, पहले question में cleistogamy क्यों नहीं हुआ? कौन से वाले question में? Sir, इससे पहले किया था। अच्छा, देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्यों इसमें क्लिस्ट्रोगामी नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स। क्लिस्ट्रोगामी में किसको जरूरत है पॉलिनेटर्स की? क्लिस्ट्रोगामी में तो आपका बर्ड खुल ही नहीं रहा, क्लिस्ट्रोगामी के अंदर आपका बर्ड बंद, तो आपको पॉलिनेटर की जरूरत है नहीं। इसलिए वो क्वेश्चन के हिसाब से वो आपको लाइक कंडीशन सही नहीं बैठ रही। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में दैट यू रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगामी, समझे? इसलिए क्लिस्ट्रोगामी हमारा आइडिया लाइक इट इज नॉट अ वायबल ऑप्शन ओवर हियर, बिकॉज वो तो हमेशा बन रहता है, उसमें तो पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं होती, right? में एक चीज एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर काफी कम होता है, एनर्जी आपको लगती है यहाँ पे कम ये करने के लिए। अब एनर्जी यहाँ पे क्यों कम लगती है सर? क्योंकि ये सेम सेम फ्लावर्स, मतलब सेम फ्लावर्स तो पोलन ग्रेन को आपको कहीं भेजना ही नहीं है बेसिकली। आपको पोलन ग्रेन वहां पे अंदर एंथर में से निकलेगा एंड विल फॉल ऑन द सिग्मा जो उसके बाजू में खड़ा होगा, राइट? फायदा ये होता है दैट यू हैव टू मेक अ वेरी लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, यू हैव टू मेक अ वेरी लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, तो यहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत बचती है। आपको पोलन ग्रेन बनाने में आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर करना ही नहीं पड़ता इस प्लांट को। दैट इज अ वेरी वन ऑफ द एडवांटेज ओवर हियर। सेकंड चीज रखना, यू विल हैव अ 100% सीड फॉर्मेशन। सो 100% सीड फॉर्मेशन विल बी सीन इन दिस कंडीशन। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी क्लिस्ट्रोगामिक कंडीशन है और आपको सीड नहीं मिल रहा। क्लिस्ट्रोगामिक के अंदर कोई चांस ही नहीं है कि मेरा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ना गिरे, वो वहां पे गिरेगा ही गिरेगा एंड देयर विल बी सीड फॉर्मेशन। So short, short seed formation is also something I'll get to see happening in the cleistogamy. So ये बात भी याद रखना। So 100% seed setup आपको मिलेगा यहाँ पे और energy आपके यहाँ पे लग नहीं रही। Energy is not something you are spending over because you just have to make few pollen grains and that's enough for you, right? On the other hand, अगर आप दूसरे plants को अगर आप देखते हो, हाँ बेटा बोलो। सर apogamy cross क्या है कि सर ये भी pollination? That is a different term. That is something which become part of your fertilization के बगैर जो आपका यहाँ पे बनेगा ना आपका new progeny, that is going to be apogamy. So that's a different term. It is not related to your cleistogamy or cleistogamy. या कटा मार सर जो सर जो cleistogamy होते हैं वो मतलब open नहीं होते हैं ना, मतलब जो flowers होते हैं नहीं, वो आपके बन रहेंगे, वो आपके बन रहेंगे and that's how you call them as cleistogamous flower. That's how you call them as cleistogamous flower and that's why you get to see this kind of condition at them. ठीक है, अच्छा ये बताओ ये बैट वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बैट से जो आपका होता है पॉलिनेशन उसको हम क्या बोलते हैं? मुझे बताओ कि ये जो फ्लावर होंगे ये इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इन फ्लावर्स के जिनको बैट पॉलिनेट करता है, एक तो बता सकते हो आप मुझे? सर सड़े हुए अंडों की तरह इनकी स्मेल होती है सर, ओल्ड स्मेल सर, ये सीक्रेट दे विल हैव बहुत सारा सीक्रेट करते हैं नेक्टर अपना, ठीक है? सो दे विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ नेक्टर, बिल्कुल सही, दे विल हैव अ हाई ऑफ नेक्टर, ये एक बात आपने सही बोल दी। दे विल हैव अ ऑर्डर, राइट? दे विल हैव अ स्मेल, दे विल हैव अ पंजेंट स्मेल, एक फ्रूटी स्मेल आएगी उसमें से। सो दैट्स द सेकंड थिंग। द फ्लावर आर यूजुअली लार्ज, बड़े फ्लावर होते हैं, छोटे फ्लावर नहीं होते, जनरली लार्ज होते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज गोइंग टू बी दैट ये आपके रात को ब्लूम करेंगे। मेक सेंस बिकॉज बैट्स आर नॉक्टर्नल, बैट्स आपके नॉक्टर्नल होते हैं, तो दिन में ब्लूम करने का कोई मतलब है नहीं। सो दे विल ब्लूम इन द नाइट टाइम
एंड कलरेशन कुछ खास नहीं होता इसके अंदर, दे हैव अ डल कलरेशन और अ व्हाइटिश कलरेशन कैन बी सीन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. बेसिकली बैट अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द स्मेल, बैट वहां पे अट्रैक्ट होगा एंड विल फीड ऑन दोस पर्टिकुलर नेक्टर एंड विल द पोलिनेशन ओवर हियर. बर्ड वाले को क्या बोलते हैं, बर्ड वाले को सर ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली. देखो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज माई ऑर्निथोलॉजी, राइट? और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो बर्ड्स के, देन यू आर बीन कॉल्ड एज अ ऑर्निथोलॉजिस्ट. सो ऑर्निथोफिली इज नथिंग बट माई पॉलिनेशन विद हेल्प ऑफ द बर्ड्स. इसका कुछ कैरेक्टर बता सकते हो तुम, जो बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को, उनके कुछ कैरेक्टर याद है? सुनो मेरी बात, स्मेल नहीं होती, याद रखना. दीज फ्लावर वोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्मेल, याद रखना. जो फ्लावर डिपेंड करते हैं बर्ड्स के ऊपर फॉर पॉलिनेशन, याद रखना, दे डोंट हैव सेंस ऑफ स्मेल, दे डोंट जनरेट एनी काइंड ऑफ स्मेल. आई टेल यू व्हाई. बर्ड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल देखने के लिए, सॉरी नॉट देखने के लिए, लाइक टू सेंस द स्मेल, दे डोंट हैव दैट पार्ट ऑफ अ ब्रेन. अगर आपको याद हो ना, अगर आप अपना 11th स्टैंडर्ड याद करोगे, तो आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओल्ड फैक्ट्री लोब. ओल्ड फैक्ट्री लोब बेसिकली आपके लिए मदद करता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए. अब ये चीज बर्ड्स में आपको डेवलप नहीं मिलती, दिस इज नॉट समथिंग यू विल गेट टू सी इन द बर्ड्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो फ्लावर आपको मिलेंगे उनके अंदर आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलता, नेक्टर मिलता है वो आपको मिल जाएगा, फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगा. फ्लावर विल बी कलरफुल, यू विल फाइंड फ्लावर भी कलरफुल. और एक क्या रखना, एक और चीज दे विल हैव अ फनल शेप्ड फ्लावर आपको यहाँ पे मिलेंगे. और ट्यूबलर, ट्यूबलर, यस. सो फनल शेप, इसको हम एक और टर्म यहाँ पे उसके ट्यूबलर फ्लावर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी इन दिस, ठीक है. सो बर्ड्स के भी फ्लावर के जो ट्रेट याद रखना, ये एक बार इन्होंने पूछा था, काफी टाइम पुरानी बात है, तो बट दे हैव आस्क्ड दिस वंस. इंसेक्ट इज समथिंग, वो तो सिंपल आपको यहाँ पे यू विल गेट टू सी फ्रेग्रेंस, कलरफुल फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स. Pollen kit formation on the insect body will be seen over there. Sorry, on the pollen grain will be seen over there. So that is something you get to see. Sir, light होने चाहिए pollen grain. Pollen grain होने चाहिए आपके, light यहाँ पे बिल्कुल सही. So sticky भी sir. Very good. Yeah, sticky has to be on a one more term for the insect वाले के लिए. और insect वाले के हम category को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? Entomophily. 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 Great. आता है तुम लोगों को, entomophily भी आता है, entomophily भी तुम्हें आता होगा. चलो आगे देखते हैं. Pollen tablets are available in the market for what? Sir, supplementary food. Consumption. याद रखना. Pollen tablets का नाम आ रहा है, तो इसे हम consume करते हैं, and it is an example of my supplementing food. और ये कौन कौन लेता है? ये कौन इसे consume करता है? Sir, allergy. Athletes use करते हैं, और आपके even horses को ये खिलाया जाता है. ये NCERT के sentence में बता रहा हूँ, ठीक है? I'm just talking about the NCERT. So horses को consume करते हैं, तो horses को जिनको हम run करवाते हैं उनको हम consume करवाते हैं, and even the athletes also consume that. ठीक है, so that is one thing you have to know. Sir, D option किसके लिए होगा? कौन सा D option? Yes sir. Plus. देखिए D option यहाँ पे है क्या? That is my ex situ conservation. अब देखो इसमें होता क्या है? Let's understand what is my ex situ conservation यहाँ पे. अब assume करो कि आपका कोई तो भी एक, आपको example बना के देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा. Assume करो कि एक rhinoceros है, राइट, डायनासोरस है, और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है. समझो उसकी पॉपुलेशन पहले 1000 थी, अब सिर्फ 4 रह गए हैं फॉरेस्ट में. अब तुम जानते हो कि ये तो जा रहा है, ये तो एक्सटिंक्ट होने वाला है, राइट? दैट इज समथिंग यू कैन सी, कि ये तो एक्सटिंक्ट होने वाला है. तो तुम क्या कर सकते हो मालूम है? यू कैन कलेक्ट द गैमेट्स, यू कैन कलेक्ट द गैमेट्स ऑफ द मेल. तुम मेल के गैमेट्स वहां से कर लो कलेक्ट. और समझो तुम्हारे पास एक ही मेल है, 4 में से एक ही मेल है, 3 फीमेल है, तो तुम गैमेट्स को कलेक्ट करो, और गैमेट्स को कलेक्ट करने के बाद यू कैन एक्चुअली सेव देम इन योर व्हाट यू कॉल इट एज अ लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर. सो गैमेट्स को आप उन्हें 196 डिग्री सेल्सियस के अंदर माइनस के अंदर आप उन्हें कर दो स्टोर. अब आपके पास गैमेट्स यहाँ पे आ गए. अब आपने करना क्या है, उसके समझो एक महीने बाद वो मेल की डेथ हो गई. नाउ व्हाट विल हैपन, आपकी स्पीशीज आप अभी भी रिवाइव कर सकते हो. कैसे? यूजिंग दिस गैमेट्स. इन गैमेट्स को आप ले सकते हो और वो फीमेल्स को आप कंसीव करा सकते हो, एंड वो कंसीव करा के यू कैन हैव अ बेबी आफ्टर दैट. सो यहाँ पे हम कर रहे हैं AI, जो नहीं हम AI ह्यूमंस में करते थे, वही AI हम इनके लिए भी हम कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारे गैमेट्स को हमने प्रिजर्व किया, राइट, सो दैट वी कैन कंजर्व द स्पीशीज, राइट. और ये सबको हम यहाँ बोलेंगे, दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई एक्स सिटू कंजर्वेशन.
सो एक्सीटू के अंदर आप कंजर्व करे हो एक स्पीशीज को इन साइड योर लाइक इधर यू आर क्रिएटिंग अ बोटेनिकल गार्डन, वहां पे आप प्लांट को कंजर्व करे हो, या फिर आप जैसे मैंने आपको गैमेट का एग्जाम्पल यहाँ से दिया वैसे आप सीड्स को आप रख सकते हो, आप सीड्स को कलेक्ट करके ला सकते हो, यू कैन सीड को कलेक्ट करके आप स्टोर करके रख सकते हो, यू कैन स्टोर द सीड्स, यू कैन डू द स्टोरेज ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन. यस सर, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो, राइट. और जब आप इन सबको स्टोर कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट सो दैट फ्यूचर में इनको मैं यूज करके पॉपुलेशन को रिवाइव कर सकूं, मैं मेरी पॉपुलेशन को वापस बढ़ा सकूं, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एक्सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, तो ये प्लस वन में था ना एग्जांपल, मतलब फर्स्ट चैप्टर में. हां, लिविंग वर्ल्ड में था, लिविंग वर्ल्ड के अंदर. यस यस यस, ये सारे से एनिमल्स के फोटो भी लगाए थे हमने स्लाइड के अंदर, याद है तुम? यस सर, यस सर, दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी. मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर और अच्छा, मियोसिस होने के बाद पहले आपको मिलेंगे चार सेल, फिर उसके बाद क्या होगा उन चार मेगास्पोर का क्या होगा फिर? Right, and then we'll find one of them will survive over there, and will yeah will form them. हाँ बेटा बोलिए, आप कुछ पूछ रहे हैं? No sir. No sir. शर्म हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं. Which of the following is resistant to enzyme action? कौन इसमें रहेगा resistant to enzyme action? ये वाला हमारे क्वेश्चन करके बता दो यहाँ पे, अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न विद, अगर एक कलर ब्लाइंड डॉटर है तो उसके फादर मदर यहाँ पे कैसे होंगे? आराम से लिखते हैं, आंसर करिए. 1, 2, 3, 4 क्या मिला आपके यहाँ पे आंसर? 1 देखो बिल्कुल सही, देखो मदर यहाँ पे आपकी है कैरियर, दैट मीन यू विल हैव लाइक कैपिटल सी स्मॉल सी, और फादर जो आपके यहाँ पे फादर तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे फादर आपके अफेक्टेड है. इसी कंडीशन के अंदर आई कैन हैव अ डॉटर who is going to be color blind. इसी कंडीशन में मुझे color blind मिल सकती है. देखो एम इस नहीं हो सकता क्योंकि अगर मदर नॉर्मल होती ना, मतलब उसके दोनों पर अगर कैपिटल सी होता तो बच्चे को कुछ नहीं होता. The girl would have got one capital C and she would be normal. Similarly, अगर फादर मेरे यहाँ पे नॉर्मल होता तो वहां से कैपिटल सी आ जाता तो वो बच्ची को कुछ नहीं होता. सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो यू विल सेम थिंग गोज ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई मदर विल बी अ कैरियर एंड फादर विल बी अ कलर ब्लाइंड ओवर हियर. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू सी. सो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल दिस क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं कराया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो यू कैन हैव अ लुक एट देम, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, नाउ कल के टेस्ट के लिए याद रखना, कल का टेस्ट आपका थोड़ा लेंदी होगा, आपके 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे बायो के, एंड देन यू विल हैव अ फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल, राइट, 15 क्वेश्चंस. सो टेक योर कंप्लीट 2 आवर्स, अपने पूरे 2 घंटे लेना करने के लिए, एंड एंश्योर दैट यू गेट अ डिसेंट स्कोर आउट ऑफ इट. ठीक है, सो टेक योर लाइक, आराम से टाइम लो अपना, 2 घंटे निकाल के बैठना जब फ्री हो.